हाँ भाई सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंप्लीट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ब्लड, ठीक है। ब्लड की जब हम लोग बात करते हैं, हालांकि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं ब्लड क्या होता है, तो वास्तविक रूप नहीं चाहिए, मुझे बताओ होता क्या है? फंक्शन कोई बता सकता है ब्लड का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी करेगा और ऑक्सीजन भी करता है, ठीक है। कैसे करता है? हीमोग्लोबिन के साथ वो जो गैसेस होती है वो कंबाइन हो जाती है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। इतना तो आप लोग हालांकि जानते ही हैं। जब हम बात करें क्लास ब्लड के बारे में, तो ब्लड जो है कैसा है आपका? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में, तो ह्यूमन में जनरली कितना प्रेजेंट होता है आपका? नहीं वैसे जवाब दे सकते हैं, ह्यूमन में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सही बात है, नहीं फैट का ब्लड से कोई भी देखिए क्लास जब हम लोग बात करें आपके ह्यूमंस के बारे में, तो जनरली ह्यूमंस में 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है ना। कितना होगा 5 लीटर ब्लड, मतलब और उसमें भी अगर हम बोल रहे हैं कि आपका ब्लड जो है 5 लीटर, ये तो कॉमन नॉर्मल, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो आपके टोटल ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? रुक जाइए। जब हम बात करें टोटल ब्लड की, ठीक है, तो टोटल ब्लड में से आपका 55% जो होता है वो होगा प्लाज्मा, राइट, ब्लड प्लाज्मा जिसको हम जनरली बोलते हैं। और जो बाकी का बचा 45% क्या होते हैं आपके? ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। ठीक है, अच्छा आरबीसी की फुल फॉर्म, अच्छा रुक जाएंगे ठंड में, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म, दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, ये मैंने शायद सेट में एम्ब्रियोलॉजी के टाइम पर भी रिवाइज कराया था ना आप लोगों ने, डब्ल्यूबीसी। जब ब्लड क्लॉट होता है ना उसको बनाने का काम आता है, ठीक है ना। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये आप लोगों को टिप पर होने चाहिए क्लास, ठीक है। ये आपकी जो आरबीसी होती है उसे जनरली क्या नाम देते हैं? एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स को आपको थ्रोम्बोसाइट्स। बाकी हम लोगों में जो प्रेजेंट रहता है दैट इज द प्लाज्मा, ठीक है। तो अब हमें क्या काम करना है, अपने इन्हीं सब चीजों की वन बाय वन स्टडी करना, ठीक है। हाँ क्या लिख लिया होगा आप लोगों ने ना, देखिए ये वायवा में क्यों पूछे जाते हैं, वायवा में आपकी स्टोरी क्यों पूछी जाती है?
जरूरी टर्म्स में मुझे डालना है आप लोग जनरली ब्लड तो जानते हैं आप किसी को सब लोग पढ़ चुकी होगी है ना सेवेंथ से एट क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाया ही जाता है तो ह्यूमन के आरबीसी पर्पसेस के बारे में क्या जानते हैं ह्यूमन में जो आपके आरबीसी प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेस के बारे में क्या जानते हैं कैसे होते हैं ऐसे नहीं हाथ खड़ा करके बताइए ह्यूमन में कौन सा जवाब बिल्कुल सही बात है वो मेरे में स्क्रीन में कहा जाएगा और अच्छा तुम बोलो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी कराई थी ठीक है उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए जाते हैं सभी में एक टॉपिक आता था अकरेंस ठीक है कहाँ पर प्रेजेंट होता है कोई भी सेल ऑर्गेनल उसमें सभी चीज बताई जाती थी कि यहाँ चीज प्रेजेंट होती है ये सेल ऑर्गेनल यहाँ प्रेजेंट है लेकिन एक्सेप्शन केस बताया जाता था कि मैच्योर्ड आरबीसी में ये चीज एब्सेंट होती है ठीक है तो ना तो आपका उसमें सेंट्रियोल होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना ही कोई ईआर होगा मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है ना कोई भी आपका जनरली देखने को नहीं मिलेगा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ठीक है लेकिन जब हम लोग बात करें अपने अदर वर्टिब्रेट्स के बारे में भाई वर्टिब्रेट्स तो और भी होते हैं मैमल्स सिर्फ अकेले मैमल्स थोड़ी ना है वर्टिब्रेट तो इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है ठीक है जैसे मैमल्स में कैसे होते हैं बाई कॉनकेव तो उसमें कैसे हो जाएंगे बाई कॉनवेक्स यहाँ पर आपके नॉन न्यूक्लिएटेड थे तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ठीक है और उसमें थोड़े से आपके वो भी प्रेजेंट होते हैं कोई परेशानी नहीं आरबीसी और इलेक्ट्रोसाइट
शेप शेप ठीक है। मैमल्स लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा ठीक है, और लिख लीजिएगा सेल ऑर्गेनेल सबसे लाइक करके अपने माइटोकॉन्ड्रिया ईआर सेंट्रियोल ये सब चीज लिख सकते हैं ठीक है। जितने भी हमने सेल अपन पढ़े थे वो सभी। नेक्स्ट साइज साइज, तो क्लास जब हम लोग बात करें साइज के बारे में ठीक है, तो हर एक मैमल में या हर एक एनिमल में इसका साइज होगा डिपेंड करता है। हम जनरली किसकी स्टडी कर रहे हैं, खुद की मैमल्स की, तो मैं खुद का तो पता ही होना चाहिए ठीक है। मैमल्स में जो होता है दैट इज अ 7.5 मीटर ठीक है। दूसरी खास बात जब हम लोग बात करें क्लास आपके ब्लड के बारे में तो किस नेचर का होता है, एल्कलाइन होता है ये, कैसा होता है ब्लड कैसा होता है, एल्कलाइन होता है एसिडिक होता है एल्कलाइन ठीक है। और इसका जब हम पीएच वैल्यू देखते हैं दैट इज 7.4 ठीक है ना। अब चूंकि ये एल्कलाइन नेचर का है तो ऑब्वियसली बात है जब आप उसका टेस्ट करते हैं ना कट जाता है तो नहीं तो उसमें मुंह में डाल देते हैं, टेस्ट तो कर ही लिया होगा सब है ना, सबके मुंह में तो लगा ही हुआ है जनरली, तो वो हमेशा नमकीन जो लगता है ना एल्कलाइन की वजह से लगता है, एल्कलाइन नेचर होने की वजह से ठीक है। तो उसको लिख लीजिएगा ठीक है। आरबीसी जो होते हैं जनरली कैसे होंगे आपके एल्कलाइन नेचर का, ब्लड पूरा ब्लड जो है होल ब्लड एल्कलाइन नेचर का ठीक है। नेक्स्ट आप चाहे तो और भी किसी का लिखना चाहते हैं साइज सफिशिएंट है ना। नेक्स्ट नंबर क्योंकि हर एक एनिमल में आपका आरबीसी का साइज वेरी करता है ठीक है। सबसे बड़ा अगर आरबीसी की बात करते हैं एलिफेंट के अंदर देखने को मिलता है, कैट में अलग होगा, डॉग में अलग होगा, डॉग में अलग होगा ठीक है, हर किसी में अलग अलग होता है लेकिन बहुत ज्यादा वेरी नंबर की जो हम बात करें सब लोगों ने सीबीसी की रिपोर्ट देखी होगी अपनी, कितना होता है नंबर मेल्स में और फीमेल्स अलग होता है कितना होता है सभी ने देखी है सीबीसी रिपोर्ट अपनी देखी होगी ना सीबीसी रिपोर्ट हाँ नहीं देखी घर में किसी की भी नहीं हुई तक सीबीसी इम्पॉसिबल। चलिए तो कितना होता है जनरली जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके मेल के बारे में तो ये होता है 5.5 × 10⁻⁶ ठीक है। और वहीं जब हम लोग बात करें वो भी एक रेशियो अगर हम देखें बिल्कुल एवरेज 10⁻⁶ ठीक है। देखिए फीमेल में जो है ये ही संख्या घट जाती है बिल्कुल सही बात 4.5 ठीक है फीमेल्स में। अच्छा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आता है सभी स्टूडेंट्स को जी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने पूरा टर्म यूज किया है वो आता है 1, 10, 100, 1000, 10,000 आता है इंडियन वाला आता है इंटरनेशनल आता है दोनों आते हैं। देखो मैं अगर इसको खोल कर लिखती हूँ ठीक है कितना हो जाएगा कितना लिखा है मैंने इंडियन में क्योंकि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें बिल्कुल सही बात है 55 लाख ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू चार्ट की तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कभी कभी मिल
बिलियन में देखने को मिलता है करोड़, है ना। तो समझ में नहीं आता ये मिलियन कितना होता है, बिलियन कितना होता है, तो पता होना चाहिए। 5.5 मिलियन आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पॉइंट को यूज कर रहे हैं और इसको 55 लाख बोल रहे हैं हिंदी में और उसमें पॉइंट यूज कर रहे हैं मिलियन में, ऐसे कैसे कर जाओगे? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की जब लोग पास बात करते हैं आता है कि नहीं आता? देखो नहीं आता शर्माने की जरूरत नहीं है बताने का, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आना चाहिए। देखिए आप लोग जनरली करते हो 1,10,000 लाख, 10 लाख, ठीक है। जब हम लोग पास बात करें इसमें तो उसमें जो इंटरनेशनल रहता है वो हमेशा रहता है 1,10,000, 10,000, 100,000 After that, million. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,50,000, ठीक है। दूसरी खास बात, एक सेकेंड, अगर मिलियन तक हो जाए उसके बाद फिर वैल्यूज कितनी आएंगी? मिलियन के बाद जब आप लोगों ने 100 यूज किया था उसके बाद 1,000, 10,000, 100,000, तो मिलियन के बाद आप स्टडी करोगे आगे बढ़ते हो तो 10 मिलियन, 100 मिलियन, आफ्टर दैट मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आफ्टर दैट। तो इसे आप लोग चाहे तो इसमें बिलियन में भी लिख सकते हैं, मिलियन में, सॉरी, ठीक है ना। समझ में आया कि 5 मिलियन या फिर 5.5 मिलियन, ठीक है, इतना। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, स्ट्रक्चर हाँ बस टाइम तो हो गया पर आपको जरा एक देखो क्लास एक चार्ट बना दीजिए आपको, जनरली आप लोग में शायद ही लिए। एक तरफ लिखिएगा आप क्लासेस एनिमल नंबर, क्लासेस पीसेस फर्स्ट एंड पीसेस इसमें होती है 1,33,000। हाँ एक पर मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एम्फीबिया फ्रॉग 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। रेप्टिलिया 6,20,000 पर मिलीमीटर क्यूब। एवीज ऑस्ट्रिच 1,60,000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए मैमल्स, एलिफेंट 93 लाख
बाकी हम लोग कल बात करते हैं।